फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी सुबह सुबह का 9 बज रहा है और हमारे यहाँ बहुत कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाया हुआ है। लगभग 5-6 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकला, धूप का कोई नाम नहीं है। और अभी देखिए हम नहा धोवा चुके हैं, शैम्पू किए हैं सुबह सुबह, और बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, मतलब सुबह 11-12 बजे के बाद अगल बगल का जो घर रहता है तभी आप देख पाइएगा, इतना कोहरा है यहाँ पे। और बारिश भी हुआ था हमारे यहाँ सुबह सुबह। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो ये देखिए मैं गरम कर रही हूँ यहाँ पे आलू का पराठा। रात को बनाए थे आलू मटर का पराठा, तो बचा हुआ था उसी को मैं गरम कर रही हूँ खाने के लिए। और रात में बनाए थे देखिए गाजर का हलवा, टेस्टी एकदम, मुंह में पानी आ रहा है देख के, वो बनाए थे, तो उसको भी हम लोग अभी खाएंगे। बच्चे लोग नाश्ता कर रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स बच्चे लोग को दिए थे नाश्ता कर रहे गाजर का हलवा और आलू का पराठा। और यहाँ पे बच्चे लोग टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे, जो कि बहुत गलत बात है। और बिछौना पे खाना खा रहे, बेड पर क्या करें, ठंड इतना है, ठंड के मारे बच्चों को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है नीचे। और देखिए ठंड के मारे सब बेड पे खा रहे हैं, क्या पलंग क्या बिछौना सब बराबर हो गया है। तो सबको राधे राधे बोलिए आप लोग। कैसे हैं आप सब लोग? राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, तो देखिए शिवांशी भी सबको राधे राधे बोल रही है। हाँ बेटा, और पराठा दे तुमको, ठीक है? तो सुहाना मांग रही पराठा, तो उसको पराठा दे देती हूँ। देखिए मेरा जल गया पराठा, पर मुझे ऐसे ही पसंद है, कुरमुर क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाता है तो अच्छा लगता है हमको खाने में। तो इसको मैं दे देती हूँ सुहाना को खाने के लिए, तोड़कर गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमारा यह गर्मा गर्म आलू का पराठा और गाजर का हलवा खा के बहुत मज़ा आया सुबह सुबह, ठंड और आलू का पराठा। तो कैसा लगा बेटा संस्कृति तुमको, गाजर का हलवा पराठा खा के अच्छा लगा? तो फ्रेंड्स खाना बनाना बाकी है अभी आज, क्योंकि सुबह उठे नहीं थे, खाना नहीं बनाए थे। सुहाना के पापा नाश्ता करके चले गए थे, वही पराठा और हलवा खा के ही चल गए थे। और दोपहर में खाने आने वाले हैं, बोले हैं कि हम खाने आएंगे, तो इसके लिए भी खाना बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए कुकर में पानी चढ़ा दी हूँ दाल बनाने के लिए, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ दाल, तो मसूर का दाल बनाऊँगी और थोड़ा सा इसमें बनाऊँगी मूँग का दाल मिलाऊँगी। मूंग मसूर का दाल बनाने जा रही हूँ, दाल निकाल ली हूँ, धो लेती हूँ, और पानी हमारा गर्म हो रहा है, जल्दी से धो के डाल देती हूँ दाल को। तो पानी हमारा गर्म हो गया है फ्रेंड्स, तो दाल देखिए हम धो चुके हैं, इसको डाल देती हूँ इसी में। तो इसको हम ढक देते हैं और पकने देते हैं। तो इसको फ्रेंड हम ढक दिए हैं, अब इसको पकने दे रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए चावल निकाल लिए हैं, और इसको भी मैं 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लूँगी और इसी में बनाऊँगी भात, तो इसी में डायरेक्ट डालकर धो लेती हूँ। तो इसी तरह से अच्छे से सारे चावल को धो के उसके बाद में चढ़ा देती हूँ, अच्छी तरह से धो देती हूँ। तो दाल हमारा बॉयल हो रहा है फ्रेंड्स, और ये देखिए चावल हम चढ़ा देते हैं इसमें, और ये देखिए ये है बीन्स, तो इसका मैं बनाने वाली हूँ भुजिया, आलू और बीन्स का भुजिया बनाऊंगी, दाल चावल आलू बीन्स का भुजिया, ये आज हमारा दोपहर का खाना रहेगा। ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड्स, तो जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ, और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।